नमस्ते सभी को। जी तो कल हम लोग लेक्चर 6 को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने समाधान के पूरे स्वरूप को समझने का प्रयास किया था। तो दिखता है कि मानव की जो मूल चाहना है निरंतर सुख है। निरंतर सुख बराबर ज्ञान समाधान, और समाधान के पूरे फैलाव को देखें तो उसमें 9 बिंदु दिखाई देते हैं। ज्ञान, ज्ञान के आधार पर विवेक, विवेक के आधार पर विज्ञान, विज्ञान के आधार पर व्यवहार, कार्य व्यवस्था, भागीदारी, और उसके आधार पर अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, मानवीय परंपरा। ये 9 बिंदु अपने को ध्यान में आते हैं। इसमें भी ये बात हुई थी कि मुख्य मुद्दा इसमें ज्ञान का है, तो हम अधिक समय ज्ञान पर लगाएंगे। एक बार ज्ञान में स्पष्टता हो जाए तो उसके बाद विज्ञान, विवेक, व्यवहार, कार्य, भागीदारी, इन सब की स्पष्टता होती चली जाती है। और ज्ञान को लेकर जितने भी अपने अंदर प्रश्न है उस पर हम अधिक से अधिक समय लगाएंगे, ताकि कोई प्रश्न न छूटे। अस्तित्व जैसा है वैसा प्रस्ताव के रूप से कम पूरा अपने को स्पष्ट हो जाए, फिर उसको हम लोग स्वयं में देखने का काम करेंगे। जो पहले भी बात हो रही थी कि सुबह के सत्र में हम एक काम तो ये कर रहे हैं कि इस पूरे अस्तित्व के व्यवस्था के बारे में प्रस्ताव को जैसा है वैसा सुनने का, उसकी बारीकियों को स्पष्ट करने का काम कर रहे हैं। दूसरा, उसको हम अपने आप में जांच कर देखने का प्रयास कर रहे हैं कि मुझे ऐसा ही सहज रूप से स्वीकार होता है कि नहीं। तीसरा, उसके आधार पर मेरे जीने का पूरा स्वरूप क्या होगा उसको अपने आप में चित्रित कर रहे हैं, विश्लेषित कर रहे हैं, पूरी कल्पनाशीलता में बैठा रहे हैं। और चौथा, उसको जी कर देख रहे हैं। जी कर देखने क्रम में ही जहाँ जहाँ हम सभी जी रहे हैं अपने परिवार में, संस्थाओं में, वहाँ भी भागीदारी कर रहे हैं। और जो ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में, उसमें भी भागीदारी कर रहे हैं। ये चार काम अपने को सतत करते जाने हैं। उसी क्रम में कल लेक्चर 6 में हम लोगों ने ये असाइनमेंट लिया था। इस असाइनमेंट को लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो, कोई बात ऐसी हो जो स्पष्ट ना हो, तो रख सकते हैं यहाँ पर। तो पहली बात जो ये है कि जो भी अपने अंदर प्रश्न रह गए हो ऋषि टू के बाद, उनको हम लिख सकते हैं। कोई ऐसी चीज जो हमको स्पष्ट ना हो उसको हम लिख सकते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। फिर ये भी हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर जो सुख का भाव है वो समझ के अभाव के कारण है, सम्मान के अभाव कारण है, या सुविधा के अभाव कारण है। ये भी देख सकते हैं कि हमारे लिए अभी सुख का स्रोत कहाँ है, स्वयं में है या बाहर है। और विज्ञान को भी हम लोगों ने फैलाया था, विज्ञान के बारे में और हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो प्रचलन में विज्ञान जिस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं उससे यहाँ भिन्न अर्थ है। तो प्रचलन में विज्ञान का अर्थ है भौतिक रासायनिक इकाइयों का अध्ययन करना। यहाँ जिसे विज्ञान कह रहे हैं तो मानव लक्ष्य की पूर्ति कैसे हो, उसके लिए योजना बनाना, कार्यक्रम बनाना, क्रियान्वयन करना, फल परिणाम का मूल्यांकन करना, है ना, ये सारा जो कल्पनाशीलता में होने वाला काम है उसको विज्ञान कह रहे हैं। सुखपूर्वक जीने का विज्ञान, समृद्धिपूर्वक जीने का विज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण का विज्ञान, मानवीय परंपरा का विज्ञान, उसको विज्ञान कह रहे हैं। तो आगे जो लोग चर्चा करेंगे तो इन दोनों शब्दों को अलग अलग प्रयोग करते हुए चलेंगे। तो अभी जो प्रचलित विज्ञान है उसके लिए जो हम शब्द प्रयोग करेंगे वो प्रचलित विज्ञान होगा, और इस अर्थ में जब करेंगे मानव लक्ष्य पूर्ति करते हैं तो उसको विज्ञान कहेंगे। जी तो कल जितनी हम लोगों ने चर्चा की उसके आधार पर यदि कोई प्रश्न हो, किन्हीं का रह गया हो, उन 9 बिंदुओं में कोई स्पष्टता रह गई हो उससे बात कर सकते हैं। अगर सब कुछ स्पष्ट है तो हम लोग फिर आगे चल सकते हैं। तो ये लेक्चर 6 के बाद अब हम लोग अभ्यास 1 में जाएंगे, और अभ्यास 1 के स्टेप 2 और 3 पे काम करेंगे। तो अभ्यास 1 में हम स्वयं द्वारा स्वयं को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। मैं चैतन्य निकाय हूँ, मेरे अंदर चैतन्य क्रियाएं हो रही हैं और मैं इसे स्वयं में देख रहा हूँ। तो अपनी कल्पनाशीलता को देखने से हम लोगों ने अभ्यास शुरू किया। कल्पनाशीलता में इच्छा, विचार, आशा, ये तीनों ही प्रकार की क्रियाएं शामिल हैं। उसमें भी अपने को दिखता है कि इच्छा से विचार प्रेरित होता है, विचार से आशा प्रेरित होता है, और आशा से फिर आगे के भागीदारी प्रेरित होती है, व्यवहार, कार्य, व्यवस्था, भागीदारी। तो इसमें मुख्य मुद्दा तो इच्छा के प्रति सजग होने का है। इच्छा के प्रति सजग होने के क्रम में ही हमने भाव के प्रति सजग होने का अभ्यास किया कि हम अपने आप में देख पाए मेरा भाव क्या है। और ये अपने आप में सतत
किया जाने वाला एक अभ्यास है, अपने भाव को देखते रहने का। तो ये हम अभ्यास को बनाए रखेंगे इस पूरे सुबह के सत्र में और आगे भी। तो एक तरफ तो हम लोग पूरे अस्तित्व की व्यवस्था के बारे में प्रस्तावों को ले रहे हैं, उसको जांचने का प्रयास कर रहे हैं, उसके आधार पर जीने को अपने को चित्रित कर रहे हैं, जी कर प्रमाणित करने का, जी कर उसको मूल्यांकित करने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम इसको जब सजग होने जा रहे हैं अपने आप में, तो भागवत सजग होने को हम बनाए रखेंगे। अभ्यास दो जब करेंगे तो शरीर से आने वाली संवेदना के प्रति सजग होने का अभ्यास को हम बनाए रखेंगे। तो ये एक तरह से अपने अंदर ये बात बैठ जाए कि मैं और मेरा भाव, हम इसके प्रति अवेयर रहना है। तो मैं हूँ है ना, और मेरे अंदर भाव है, और उन भावों से ही सारी विचार चल रहे हैं, मेरे अंदर कुछ चयन हो रहा है, उसके कारण मैं भागीदारी कर रहा हूँ। भाव के प्रति सजग होना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि भाव में ही परिमार्जन होना है, इसकी तो आवश्यकता तो है ही, अनिवार्यता भी है। बिना इसके आगे गति नहीं होगी, बिना इसके ब्लॉक B1 में संक्रमण नहीं होगा, बिना इसके चिंतन की क्रिया जागृत नहीं होगी। इसलिए भाव के प्रति सजग होना अत्यंत आवश्यक है। Science, can you give more explanation? Science means current day science or not? Is it social science we are talking about? It is science of fulfillment of human goal. So we plan, you know, we implement, then we have some results, outcomes, and then we evaluate, and then we again go to plan, we change our plan if required, and then again we go to implement. So this whole thing is the science. So how to plan, how to program, how to implement. It's only a portion of the science. Is it like that? No. Or science? Wala kijiye. How is it different from present day science? We talk so everywhere science it is against science, something like that we say. जी जी, जो प्रेजेंट डे साइंस है वहाँ पे हम लोग फिजियो केमिकल एंटिटीज को स्टडी कर रहे हैं। हाँ करेक्ट करेक्ट, है ना, यहाँ पे हम फिजियो केमिकल एंटिटीज को स्टडी नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे कह रहे हैं साइंस ऑफ लिविंग अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ। वेरी गुड, सो इज इट सोशल साइंस सर? नो, ये सारा इसमें शामिल हो जाएगा, सोशल साइंस ही शामिल है। सोशल साइंस का मतलब सोसाइटी में हम कैसे उसको लेकर जाएंगे, है ना, वो सोशल साइंस बनेगा। साइकोलॉजी एवरीथिंग मे कम इन दैट सोशल साइंस। वही, अब इसको जब योजना बनाएंगे, कार्यक्रम बनाएंगे, क्रियान्वयन करेंगे, है ना, यानी कि हम प्लान करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, ठीक, तो उसमें सारी चीजें शामिल होंगी। यस, है ना, तो हम उसमें सोशल साइंस को भी लेंगे, पॉलिटिकल साइंस को भी लेंगे, है ना, जो भी। तो जो भी है इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ा हुआ है ह्यूमन। यस जी, अभी मैनेजमेंट कहते हैं प्लान डू चेक एक्शन, PDCA साइकिल की बात करते हैं। तो ये सारा कुछ जो कर रहे हैं अल्टीमेटली कि हमारा हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ कैसे इंश्योर हो, उसके लिए हम सारा कुछ करते ही है, उसको ही अब हम समझ कर करेंगे। तभी भी हम विज्ञान को पूरा करने का प्रयास करते हैं, जैसे हम एक हैप्पी लाइफ के लिए प्लानिंग करते हैं, नहीं करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं उसका इवैल्यूएशन करते हैं, फिर जाके हम प्लानिंग करते हैं। ये तो अपने आप में करते रहते हैं, यही कि उसको समझ कर नहीं कर रहे हैं, उसको ज्ञान के आधार पर, विवेक के आधार पर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञान के आधार पर नहीं कर रहे हैं तो हमारे विचार का आधार ही अभी हिलता डुलता रहता है। मैं क्या हूँ, शरीर क्या है, मनुष्य क्या है, ना प्रकृति क्या है, हमको क्लियर नहीं है, तो हमारा आधार हिलता डुलता रहता है। फिर ये सब समझ के करना क्या है, तो विवेक क्लियर नहीं है, वो भी हिलता डुलता रहता है। समाज में मुझे सबसे अमीर आदमी बनना है, सबसे फेमस आदमी बनना है, है ना, सबसे सुंदर आदमी बनना है, ठीक, सबसे यशस्वी आदमी बनना है, या मुझे सबके सुख समृद्धि के अर्थ में भागीदार होना है, ये क्लियर ही नहीं होता अपने को, ये क्लियर नहीं है। अब जब विज्ञान के लिए जाते हैं तो हम वही करते हैं, फिर सुविधा संग्रह कैसे हो, कैसे अधिक से अधिक सुविधाएं भोगे, है ना, कैसे हम समाज का शोषण करें, कैसे हम सभी पे शासन करें,
कैसे हम पूरे समाज का दमन करें, अब हम ये सब विज्ञान लगा देते हैं, है ना, इससे कुछ निकलता नहीं है, इससे हम ना सुखी हो पाते ना दूसरा सुखी हो पाता है, ये सब करके हम भी सुखी हो जाते कम से कम, चलो एक आदमी तो सुखी हुआ, वो भी नहीं होता, इसलिए हमारा विज्ञान असफल हो जाता है। यस यस सर, थैंक यू सर। बढ़िया बढ़िया दीदी। जी, तो हम लोग ने स्टेप वन में स्वयं के प्रति सजग होने का अभ्यास किया था, अपने भाव के प्रति सजग होने का अभ्यास किया था। तो इस क्षण मुझ में जो कल्पनाशीलता चल रही है मैं उसे देख रहा हूँ, इस क्षण मुझ में जो इच्छा यानी भाव विचार और आशा चल रही है मैं उसे देख रहा हूँ, खासकर मैं अपने भाव के प्रति सजग होने का प्रयास कर रहा हूँ। इस क्षण स्वयं में चल रही कल्पनाशीलता को जैसा है वैसा देखने का हमने अभ्यास किया, बिना मूल्यांकन किए, बिना प्रतिक्रिया किए, बिना उसे रोकने का प्रयास किए, बिना बदलने का प्रयास किए, और उस सजगता को हर क्षण बनाए रखने का प्रयास किया। तो इसमें अभी हमारी तरफ से कमी हो सकती है ना, इसमें हमको और अभी पूरा पढ़ना होगा, ये हमारा लक्ष्य हो जाए, ये हमारा लक्ष्य हो जाए कि मुझे अपने भाव के प्रति हर क्षण सजग रहना है, उठते जागते सोते बैठते, है ना, मुझे अपने भाव से सजग रहना है, क्योंकि यहीं से मेरी आगे गति है ना, यहीं से मेरे अंदर ज्ञान संचित होना है, यहीं से आगे का रास्ता निकलने वाला है। तो इस काम को अपने आप में करना है। यदि आपकी कल्पनाशीलता बिना आपके अवेयरनेस से कहीं और चली जाती है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस इस बात पे नोटिस कर लें कि आपकी कल्पनाशीलता ड्रिफ्ट हो गई है, या निर्णय बनाए रखें कि मुझे अपनी कल्पनाशीलता को देखना है, ध्यान वापस आ जाए तो इस क्षण कल्पनाशीलता में जो भी चल रहा है उसको फिर से देखें और बिना किसी प्रतिक्रिया के। तो उन्होंने स्टेप वन में कोई मूल्यांकन नहीं किया, ये भाव ठीक है गलत है, बनाए रखना है हटा देना है, है ना, इसका तो मैं आराम में हूँ परेशान हूँ, अब ये सब नहीं, जो है जैसा है उसको वैसा देखने का प्रयास किया, ठीक है ना, और मुझ में ही भाव है, मुझे ही देखना है, तो कुछ बाधा भी नहीं है, बाधा यही सब कि मुझे अभी आवश्यकता नहीं लगती उसकी, तो नहीं देखता हूँ, आवश्यकता लगेगी देखूंगा। अगर ये अपने को दिख जाए कि ज्ञान से ही मेरा सुख है और ज्ञान सुनिश्चित होने के लिए भाव के प्रति सजग होना अनिवार्य है, क्योंकि यहीं से चिंतन की क्रिया जागृत होगी और चिंतन से ही मेरे ज्ञान की शुरुआत होगी, तो उसको हम देख पाएंगे, हर क्षण देख पाएंगे, उसकी प्रायोरिटी बनी रहेगी। अब स्टेप टू में हम अपने भाव का स्व मूल्यांकन कर रहे हैं। तो इस क्षण मुझ में जो भाव चल रहा है, विचार चल रहा है, मैं उसका मूल्यांकन कर रहा हूँ। तो हम देख सकते हैं कि यह भाव मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं। उसी को देखने का दूसरा तरीका है कि यह मेरे स्वभाव के अनुरूप है या कि नहीं, यानी मानवीय स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं। उसको ही देखने का तीसरा तरीका है कि मैं इस भाव की निरंतरता को बनाए रखना चाहता हूं या नहीं। अब इन तीनों तरीकों से हम देख सकते हैं कि मेरी सहज स्वीकृति है कि नहीं इसके लिए। एक तो हम सीधे सीधे पूछें कि भाव मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। अब इसमें कठिनाई ये आएगी कि आप भाव के बदले यदि विचार को देख रहे हैं तो तय नहीं हो पाता। जैसे कोई अपने आप से पूछे कि सुबह सुबह मुझे चाय पीना सहज रूप से स्वीकार है कि कॉफी पीना स्वीकार है कि काढ़ा पीना स्वीकार है, अब ये निर्णय नहीं हो पाएगा कि सुबह सुबह मुझे ये ऑप्शन ठीक लगता है कि वो ऑप्शन ठीक लगता है। बट यदि मैं अपने आप से पूछूं कि सुबह सुबह मुझे स्वास्थ्य के अर्थ में कार्यक्रम बनाना स्वीकार है या शरीर को खराब करने के अर्थ में, हम इसको तय कर सकते हैं, फिर आगे के लिए हम तय कर सकते हैं क्या करना है। तो स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम बनाना स्वीकार है सहज रूप से, ये हम देख सकते हैं। पर कई बार ये होता है कि हम इसको नहीं देख पाते उतनी स्पष्टता से। एक उदाहरण मैंने लिया, जैसे आपको अगर अपने आपसे पूछना हो कि भाई मुझे ऑफिस जाना है तो मैं बस से जाऊं कि अपनी कार से जाऊं कि पूलिंग करके जाऊं कि साइकिल से जाऊं कि पैदल जाऊं कि बाइक से जाऊं कि मेट्रो से जाऊं कि ना जाऊं, है ना, मल्टीपल ऑप्शन है। अब इसमें अगर आप अपने आपसे पूछेंगे कि मुझे क्या सहज रूप से स्वीकार है तो तय नहीं हो पाएगा। तो फिर हमको वहाँ भाव को भी देखना बनता है, और कई बार स्वीकृति और सहज स्वीकृति में जो अंतर है उसको हम अगर नहीं देख पाते हैं तो उसको हम दूसरे प्रकार से भी अपने आप में देखने का प्रयास कर सकते हैं कि ये मेरे मानवीय
स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं। मानवीय स्वभाव को देखने जाते हैं तो हम फिर उसमें इन जनरल भी देख सकते हैं कि क्या ये सार्वभौमिक हो सकता है, क्या हर व्यक्ति के लिए यही स्वीकार हो सकता है, तो हम इस तरह से भी देख सकते हैं। या फिर अपने आप में देख सकते हैं कि मैं इसकी निरंतरता चाहता हूं कि नहीं। तो जो मैंने इतने सारे ऑप्शंस रखे, अब इसमें निरंतरता को देखने जाएंगे तो किसी की निरंतरता नहीं चाहेंगे, आने जाने की निरंतरता को या उसके ऑप्शंस चुनने की, और उसके पीछे जो भाव है उसकी निरंतरता को हम देख सकते हैं। तो मैं कहीं भी जा रहा हूँ, व्यवस्था में भागीदारी करने जा रहा हूँ, तो मैं जहां भी जा रहा हूँ क्यों जा रहा हूँ, व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए या अव्यवस्था फैलाने के लिए, ये मैं अपने आप से पूछ सकता हूँ। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं, ये भी मैं अपने आप से देख सकता हूँ कि मैं इसकी निरंतरता चाहता हूँ कि नहीं। तो अपनी सहज स्वीकृति को अगर हम सीधा सीधा देख पाए बहुत अच्छा, नहीं तो हम उसकी सार्वभौमिकता के अर्थ पे भी विचार करके तय कर पाएंगे कि ये मानवीय स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं, क्या हर मानव के लिए यही स्वीकार होता है कि नहीं। और तीसरा तरीका है कि हम उसकी निरंतरता को भी देख सकते हैं कि क्या मैं हर क्षण ऐसा ही चाहता हूँ या इस क्षण चाहता हूँ। अगर लगे कि हर क्षण चाहता हूँ तब तो वो मेरी सहज स्वीकृति हो सकती है, इस क्षण चाहता हूँ इसका मतलब फिर हम कहीं फंस गए हैं, कहीं विचार देख रहे हैं, कहीं हम आस्वादों में फंस गए हैं, है ना, चाहे दूसरे से मिलने वाले भाव का आस्वादन हो या शरीर से मिलने वाली संवेदना का आस्वादन हो, उसमें फंस गए। तो हम अपने भाव का मूल्यांकन कर सकते हैं। स्टेप वन में हम लोगों ने बहुत ही सजगता पूर्वक मूल्यांकन को नहीं किया, बस देखा था कि अवेयरनेस तो हो जाए, भाव का पता तो लगने लगे। अब सेकेंड स्टेप में उसके लिए हम मूल्यांकन कर रहे हैं अपने आप को। तो उदाहरण के रूप में हम इसे देख सकते हैं कि स्नेह के भाव के संदर्भ में अगर जाए जांचें और द्वेष के भाव के संदर्भ में जांचें, इस क्षण आप में जो भी भाव चल रहा है उसके प्रति सजग रहें, जो भी भाव चल रहा है उसे देखते रहें और उसका मूल्यांकन करें बिना किसी प्रतिक्रिया के। तो प्रतिक्रिया तो नहीं करनी है, प्रतिक्रिया करने का मतलब कि हम उसमें या तो बह गए, ठीक है, या फिर उसके प्रतिकार के रूप में हमने कुछ और शुरू कर दिया अपने आप में, कोई भाव कोई विचार अपने आप में शुरू कर दिया। तो किसी भाव या विचार को बनाए रखने या हटाने के लिए अपने आप से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जिस भाव में आप आराम में रहते हैं उसे बनाए रखने का प्रयास भी ना करें, जिस भाव से आप परेशान होते हैं उसे हटाने का प्रयास भी ना करें, बस सजग रहें, अपने में जो भी भाव चल रहा है उसे देखें, मूल्यांकन करें बिना किसी प्रतिक्रिया के। और इसको हम फिर पहले स्टेप वन को पूरा करें, तो बिना मूल्यांकन बिना प्रतिक्रिया के देखें, फिर उसके बाद मूल्यांकन में जाएंगे, उसमें इतना ही देखेंगे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं, और इसको हर क्षण करने का प्रयास करेंगे, और इसको अपने जर्नल में लिखेंगे भी, ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे भी। जी भैया नमस्ते सभी को। नमस्ते। बहुत ही अच्छा अनुभव आया, गए 10 मिनट में मैंने ये देखा कि हमने 6:53 पे शुरू किया और बराबर अभी 3rd मिनट में, तो मेरे मन में यही भाव था भैया कि पहला हैंड रेस करने वाला मैं ही रहूं, कि ये इतना अच्छा चल रहा है कि 1 घंटा बहुत ही कम लग रहा है, तो क्या ये मेरा भाव सहज है, सहज स्वीकृति बोलना चाहिए, और ये सही है मेरा? हमेशा ऐसा ही होता है किसी भी अच्छे काम में दिन भर में लगा रहता हूँ, जैसे अभी घूम रहा हूँ, आपने बोला कि कोई क्रिया ना करे, तो फिर मैंने सोचा घूमना बंद करना तो कोई ये नहीं है, क्योंकि मेरे मन में जो भाव था वो यही था कि अपन 10 मिनट शांत कैसे रहेंगे, बाकी कोई एक्टिविटी नहीं, लेकिन मेरे मन की जो एक्टिविटी है वो यही लगातार चल रही थी कि जो भी 10 मिनट में हुआ है ये मैं भैया जी से बात करो, तो भैया थोड़ा इस पे प्रकाश डालेंगे प्लीज। तो आप बताइए आपको सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं? ये एकदम स्वीकार है भैया जी, कि मुझे जब भी कोई अनाउंसमेंट होता है कॉलेज में या किधर भी तो मेरा पहला हाथ ऊपर रहता है जी। अब इसको थोड़ा सा जांचते हैं, है ना, तो क्या ये सार्वभौमिक हो सकता है, क्या सभी के हाथ सबसे पहले ऊपर जा सकते हैं? जी नहीं भैया, सभी के तो नहीं जा सकते, लेकिन जैसा आपने अपन जो डिस्कशन चल रहा है सेल्फ ने सेल्फ को देखने का, तो मेरा सेल्फ मुझे ये बोलता है कि भाई तू जो कर रहा है ये तेरे लिए सही है, अब बाकी लोगों के लिए भी वो सही है कि नहीं इसमें हमें थोड़ा सा जांचना पड़ सकता है, और वही हमारा अभ्यास चल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
इसीलिए तीन तरह से देखने के लिए अभ्यास किया कि एक मिनट भाई आपकी आवाज थोड़ी धीमे आ रही है, थोड़ा जोर से बोल। हाँ प्लीज, बराबर। इसीलिए हम लोगों ने तीन तरह से कहा कि इसको हम अपने आप में जांचेंगे। तो जैसे आपको लगा कि ये मुझे सहज रूप से स्वीकार है, फिर उसको जांचते कि सार्वभौमिक हो सकता है, क्या हर व्यक्ति का हैंड सबसे पहले रेज हो सकता है, तो नहीं हो सकता जी, नहीं। यानी कहीं ना कहीं हमारे देखने में चूक हो गया है ना, ये सबसे पहले मेरा हैंड रेज हो ये हमको सहज रूप से स्वीकार नहीं है, बट भले ही हमने इसको मान लिया जी भैया। इसके भाव क्या है, अब आप इसको पूछे सबसे पहले आप हैंड रेज क्यों करना चाहते हैं जी भैया? कि इसलिए कि मेरे मुझे जो भाव मुझे जो मालूम हुआ 10 मिनट में या जो स्थिति मेरे मन की रही है, जो मेरे सेल्फ की रही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। एज ए अभ्यास जो मैंने 10 मिनट में किया उसके लिए वो मेरे यहाँ आना जरूरी था भाव, तो ऐसा मेरा मानना है जी भैया। अच्छा उदाहरण है, अब इसको थोड़ा और जानते हैं। तो उसे जी क्यों भैया, जी भैया। उसे हाँ, क्यों बताना चाहते हैं? हाँ। तो जो तो ये मेरे जैसे ही भाव बाकी लोगों में भी आना चाहिए था ना, जो भी मैंने ऑब्जर्वेशन किया ऐसा ही ऑब्जर्वेशन सभी लोगों ने किया होगा ना। भले ही आपने बोला कि काम नहीं करो, लेकिन कुछ लोग जो जो अर्जेंट काम है वो तो चल ही रहे होंगे उनके जी, है ना जी भैया। तो आपने हाँ, तो आपने जो अभी शेयर करने का निर्णय लिया वो इस भाव से लिया हाँ, है ना। उसको अपने आप में देखें कि आपने निर्णय क्यों लिया। तो आपके अंदर एक भाव ये बना हो सकता, मैं तो सारे काम रोक कर देख रहा हूँ, बाकी लोग हो सकता अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, तो मेरे शेयरिंग से सकता उनको प्रेरणा मिलेगी, ऐसा लग सकता है क्या? जी जी भैया, जी भैया, यस जी जी भैया। इसमें भी देखें तो हमारा भाव दो प्रकार से हो सकता है। हाँ, हाँ। कि हम संबंध पूर्वक सबको प्रेरित करना चाहते हैं जी भैया, या फिर हम सब में सबसे फॉर एग्जांपल है ना सबसे अच्छे ऐसा बताना चाहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। बोलिए। हाँ, नहीं, नहीं, हाँ, नहीं, ये भी हो सकता ना, ये भी हो सकता है। मेरा भाव वो नहीं था आपका, बहुत बहुत सही, मुझे बहुत मजा आता है एक घंटे में, तो ये तो बिल्कुल नहीं था। मुझे यही साबित करना था कि मेरे मन में 10 मिनट में जो हुआ है, क्योंकि लगातार पटापट वो हैंड रेज होते हैं, फिर मुझे दिखता नहीं, फिर मुझे माइक मांगना पड़ता है, तो उसके बजाय मैंने वो प्रैक्टिस की कि हैंड रेज कैसे करना। इसलिए भैया और ये मेरा दिन भर होते रहता है। आप जो बोलते हैं ना बीच बीच में 4 घंटे बात करो, मैं अपने आप में रहता हूँ। अच्छा है, बढ़िया है भैया। गाइडेड बाय सेल्फ, यस सर जी भैया, मैं गाइडेड बाय सेल्फ रहने की वो हो ही जाता हूँ अपने। बाकी लोग मुझे बोलते यार ये आदमी कैसा है, इसके ऊपर कुछ असर नहीं होता, लेकिन मैं आई एम ऑलवेज गाइडेड बाय सेल्फ। जी भैया नमस्ते, हाँ धन्यवाद धन्यवाद जी जी, बढ़िया बढ़िया ठीक है, और ऑब्जर्व करें इसको। रशपाल जी, सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर जी, नमस्ते सर। हाँ सर, जैसे मेरे से पहले सज्जन ने बोला कि वो सिर्फ इसी बात को लेके ऑब्जर्व कर रहे थे अपने आप को, पर मैं जो अपने काम के साथ साथ अपने आप को ऑब्जर्व कर रही थी कि ये काम मेरे लिए क्या जरूरी है, ऑफिस जाने से पहले ये वर्क करने जरूरी है, तो वाकई में बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरी इससे फैमिली में हैप्पीनेस कंटिन्यूसली रह रही है। ओके, और अगर फैमिली में कंटिन्यूसली हैप्पीनेस रह रही है तो वो मेरी भागीदारी है इस काम में, भागीदारी है, तो ये समाज में अगर समाज के लिए भी ये जरूरी है। कई बार मैंने ये देखा है अपनी फैमिली में ही, मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप्स देखे हैं, संबंध देखे हैं कि वो शादी भी नहीं हो रही और डाइवोर्स हो रहा है, मतलब विद इन 1 or 2-3 months में, तो वहां पर वो कहीं पर भी अपने आप को सेल्फ को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। अभी रुक जाते हैं, हाँ अभी रुक जाते हैं, देखिए क्या हुआ, ये सारा विचार चला है ना, या उसको विचार कर रहे हैं, आपको देखना था कि आपके अंदर इन 10 मिनटों में क्या भाव था। भाव अच्छा था, जो भी मैं वर्क कर रही थी उसके लिए मेरे भाव बहुत अच्छे थे कि मैं ये काम कर रही हूँ, मेरे को उससे हैप्पीनेस मिल रही है। वहां नहीं जाते हैं, भाव अच्छा था ये तो मूल्यांकन हो गया, भाव था क्या? हाँ जी। भाव था ऑब्जर्व करना अपने आप को, ये तो आपका निर्णय था, भाव क्या था? भाव तो सर यहाँ कंफ्यूजन हो गई तो भाव तो दिखा नहीं ना तो इसको अभी अभ्यास करें जी, अभी रुकिए। नहीं 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 सर, अभ्यास नहीं, मेरे को ये समझना है अब भाव मैं कहां, किस भाव, अच्छा जिस भाव से मैं ये काम कर रही थी या फिर मैंने जो ऑब्जर्व करा अपने आप में,
जिस भाव से आपने 10 मिनट बिताए, चाहे आप काम कर रही थी या बैठी थी, है ना, जो भी कर रही थी, जिस भाव से कर रही थी वो भाव आपको देखना था। भाव में ये मेरे अपने लिए तो कुछ भी नहीं था, मैं दूसरों के लिए जो कुछ कर रही हूँ भाई, मेरा सेल्फ अपने आप में कंटिन्यू हैप्पीनेस के लिए ये वो करा। ये सब विचार है, ये क्या था, ये विचार है और क्या, आपने भी विचार करके एक उत्तर दे दिया कि मैं कंटिन्यूस हैप्पीनेस के लिए कर रही थी। आपके अंदर भाव क्या था सर? भाव नहीं समझ पा रही मैं। हाँ, तो उसको देखना है, तो आप अपनी कल्पनाशीलता को पहले देखें, स्टेप वन में बात कर रहे थे, कल्पनाशीलता को देखें, उसमें अगर भाव नहीं दिखा तो विचार को देखने शुरू करें, और फिर विचार के पीछे आप देखें भाव क्या है। जैसे आप 10 मिनट में हो सकता है घर के लिए भोजन बना रही थी, है ना, जी, तो भोजन बनाते समय आपने बहुत सारा विचार किया, उस विचार के पीछे आपका कुछ भाव रहा होगा। भाव सबका हेल्थ अच्छा रहे। हाँ, अभी भी आपने अभी विचार से कहा, अभी इसको अपने आप में देखना है, उस क्षण में देखना है, जिस क्षण आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस क्षण में देखना है। तो अभी तो आपने एक निष्कर्ष निकाला, है ना, कि अगर मैं भोजन बना रही थी तो सबका स्वास्थ्य अच्छा, ऐसा भाव रहा होगा, बट आपके अंदर उस क्षण क्या भाव था। हो सकता है ये भी भाव हो कि सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ठीक, और किसी और के प्रति कुछ और भाव भी हो गया हो। फॉर एग्जाम्पल, है ना, कि किसी व्यक्ति को कोई काम करके पूरा करके आपको देना था किचन के लिए, उन्होंने नहीं दिया, तो उनके प्रति भी कोई भाव आया, या दूध वाले को दूध लेके आ जाना चाहिए था, अभी तक नहीं लेकर आया, उसके प्रति कोई भाव आया, मेड को सुबह आ जाना चाहिए था कुछ हेल्प करने के लिए, वो नहीं आई, उसके प्रति कुछ भाव आया। ये देखना है बारीकी से। तो राइट सर, यही, हाँ, वो जो भाव उठते हैं वो हमें उनको ऑब्जर्व करना है। हाँ, तो उसमें थोड़ी बारीकी चाहिए, है ना, बारीकी होने के लिए जरूरी है कि अभी हम दिन में थोड़ा और समय लगाएं, ठीक, और बहुत हड़बड़ी ना करें। अभी हमारा अभ्यास बाहर की ओर देखने का ज्यादा होता है, तो हम थोड़ा बहुत विचार देखते हैं, विचार से कुछ निर्णय लेते हैं, उसको क्रियान्वित करते हैं, और उसके आधार फिर हम कुछ कंक्लूड कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं। जी जी, ऐसा ही चल रहा है सर मेरे साथ। हाँ, ऐसा नहीं, भाव को देखना है, और भाव उस 10 मिनट में 10 लोगों के प्रति हो सकता है, 10 प्रकार से हो सकता है, बारीकी से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भाव हर व्यक्ति के प्रति अलग अलग हो सकता है। अब हो सकता है इन 10 मिनट में हमने 10 लोगों का विचार किया कि नहीं, अपने फैमिली मेंबर्स का भी किया, मेड के बारे में किया, है ना, दूध वाले के बारे में किया, अखबार वाले के बारे में किया, कॉलेज पहुंचना है, क्या काम है, अपने HOD के बारे में किया, फॉर एग्जाम्पल बच्चों के बारे में किया, बहुत सारा आपने विचार कर लिया होगा 10 मिनट में, और सबके साथ कुछ भाव जुड़ा होगा। जी, सबके साथ कुछ भाव जुड़ा होगा। ठीक है सर, सर यही प्रॉब्लम करिए। जी ओके, थैंक यू वेरी मच सर। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। मैं तो जब भी मतलब ये शुरू करती हूँ, पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि मैं कौन हूँ। मतलब मुझे अभी तक यही नहीं पता चल रहा है कि मैं पर्पस क्या है मेरा, मतलब कोई फोकस्ड, या तो आप ये कह रहे, मतलब ये कह सकते हैं कि हमारा कोई गोल नहीं है, ऐसी लाइफ रूटीन में चले जा रही। तो मैं जब भी आंख मिच के देखती हूँ तो पहले तो मैं खाली रहती हूँ कि मैं कौन। देखिए, प्रश्न तो सही है, मैं ये देख पाऊँ कि मैं कौन हूँ, है ना, बट ये देखिए कि जब प्रश्न कर रहे हैं आप, तो आपके अंदर निराशा का भाव है, कोई उदासी का भाव है, है ना, मतलब एक खालीपन का भाव, की खालीपन का भाव है ना, तो यानी कि अपने आप में भी उत्साह की कमी है, तो एक भाग है उसका कि मैं इस बात को देख पाऊँ कि मैं कौन हूँ। बट हो सकता है कि कहीं से एक सूचना अपने को मिली है कि जब आप इस बात को जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ, तो आपके अंदर सुख बना रहेगा इस आशा में, है ना, क्योंकि ये पूरा नहीं हो रहा तो निराशा बन जा रही है। तो हमको भाव देखना है कि उस क्षण मेरे अंदर निराशा का भाव है, तो ये तो एक विचार चला कि मैं कौन हूँ, उसको देखना है, समझना है, ठीक, बट भाव क्या था, तो आराम, मतलब उसके साथ हमारे अंदर निराशा का भाव था या कुछ, है ना, ऐसा भाव था जो मुझे सहज रूप से स्वीकार है जीने का कि आगे क्या, ऐसा तो ऐसा हो सकता है कि मैं क्यों जी रहा हूँ या जी रही हूँ, है ना, ये अपने को स्पष्ट नहीं है बहुत। मतलब जो रूटीन है, एक आदमी जीता है अपना सामान्य जीवन, खाना और सोना और कमाना और पैसे के लिए, मतलब हेल्थ के लिए, ये तो सब हो ही रहा है, लेकिन फिर भी मतलब हमको एक जो एक मार्गदर्शन होता है ना कि
आगे क्या है, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, एक कॉमन फैमिली के जो गोल्स हैं वो पूरे होने लगे कि हस्बैंड वाइफ के बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, लेकिन अब क्या ऐसा, अब वो ऐसा भी नहीं लगता है कि कोई बहुत पैसे के लिए भागना है, वो थोड़ा खालीपन में लगता है कि मैं कौन। पहली सबसे पहले तो मेरे दिमाग में आता है, अरे शरीर और मैं और फिर क्या मैं, ऐसा हो जाता है। जी, आपका जो कंसर्न है बिल्कुल जेन्युइन है, बहुत ही उचित है ना। तो कंसर्न को तो बनाए रखें, परंतु इसके साथ जो अभी उदासीनता या निराशा बन रही है उसका भी थोड़ा सा हम लोग मूल्यांकन करेंगे। तो एक तो बात यह है कि हमको दिखाई दे मैं कौन हूँ, क्या हूँ, है ना, क्यों जी रहा हूँ, ठीक, जीने के पहले क्या, बाद क्या, ये सब हमको समझ में आए। और ये भी हम देख पाए कि इस पूरे जीने के कार्यक्रम में, है ना, ऐसी क्या उपलब्धि है जो मेरी अपनी उपलब्धि है, क्योंकि शरीर तो सामयिक है, जो सुविधाएं हैं वो तो सामयिक है, शरीर के आधार पर यदि हमने संबंधों को पहचाना वो भी सामयिक है, शरीर के आधार पर हमने समाज में चीजों को स्वीकारा वो भी सामयिक है, जिन लोगों ने मुझे शरीर रूप में पहचाना उनसे जो कुछ मिला वो भी सामयिक है। तो सामयिकता में हो सकता भी हमारा जीना हो रहा हो, इसलिए हमारे अंदर एक उदासीनता या निराशा बन जाती है। तो प्रश्न और कंसर्न तो आपका बिल्कुल जेन्युइन है ना? मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि पूरा जो है वो शरीर के लेवल पे ही सारी चीजें चल रही है, तो वो फिर टेम्पररी ही लगती है। आप कब तक उसको, अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं और अगर शरीर के लिए कर रहे हैं या खुद के शरीर के लिए और वो सब टेम्पररी है, तो आप उसको कितना परमानेंसी में, मतलब मैनेज ही नहीं कर सकते। आपकी उम्र बढ़ती जाती है और आप उसको मतलब एक परमानेंट रिलेशनशिप में ले ही नहीं जा सकते इस तरह से, तो फिर है ना। तो ये तो बात ठीक है, कंसर्न तो आपका ठीक है, इसका समाधान निकालेंगे, है ना। उसी समाधान के लिए तो सुबह का सत्र कर रहे हैं, इसी समाधान के लिए तो हम वर्कशॉप कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। तो ये भाव को पहले एक बार देखें, इसका मूल्यांकन करें। थोड़ा ये जो आप भाव का जो कहते हो उसमें हर वक्त मतलब अपने को अपने आप से क्वेश्चन करना है, व्हाई, क्यों, मतलब क्यों नहीं। बट यदि उसके साथ कुछ निराशा बन रही है तो उससे आप चर्चा कर लें, कभी अलग से भी चर्चा कर लें, मीटिंग में प्रश्न रख लें, है ना, क्योंकि ये स्थिति तो वांछनीय नहीं है, इसको कंटिन्यू किया जाए। तो देखें जरूर, हम समझे जरूर, है ना, बट यदि उदासीनता हो रही है, निराशा हो रही है, उससे तो बाहर निकलना जरूरी है, नहीं तो फिर आपके अन्य कार्यक्रमों को भी बाधित करेगा। ठीक है जी, थैंक यू भैया। बढ़िया दीदी, नमस्ते, सभी को नमस्ते। भैया मैं ये डिफरेंस पूछना चाह रहा था, चे इमेजिनेशन एंड थॉट्स, इसमें डिफरेंस क्या, कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? इमेजिनेशन का एक पार्ट है थॉट्स। सो जैसे हम आंख बंद के भी ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो हमारे इमेजिनेशन भी वो चल रहा है, वो थॉट्स भी, वो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जो इमेजिनेशन चल रहा है उसमें थॉट भी चल रहा है, फीलिंग्स भी है, एक्सपेक्टेशन भी है। तो हम इसको इमेजिनेशन कहेंगे या थॉट्स कहेंगे, ये मेरे को थोड़ा डाउट। बताया ना कि इमेजिनेशन तो चल ही रहा है, इमेजिनेशन में थॉट भी चल रहा है, फीलिंग भी चल रहा है। अब आप क्या देख पा रहे हैं आपको तय करना है, आप खाली थॉट को देख पा रहे हैं या पूरी इमेजिनेशन को देख पा रहे हैं, आप फीलिंग को देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं? नहीं, वो तीनों है, वो तीनों को देख पा रहा हूँ, ये भी है। नहीं, अगर ये तीनों को देख पा रहे हैं तब तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, तो तीनों होना चाहिए, मतलब इसका बेस है इमेजिनेशन, उसके अंदर थॉट्स एंड फीलिंग्स है, आप ये कहना चाहते हैं? जी, होना चाहिए भी नहीं, बल्कि हम देख लें कि अभी हम क्या देख पा रहे हैं और हमको इसको देखने की आवश्यकता लग रही है कि नहीं। ओके, थैंक यू भैया। बढ़िया भैया, नमस्ते भैया। जी नमस्ते। हाँ भैया, अभी मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा था उस समय का शेयरिंग भी है और एक प्रश्न भी है मेरा। उसमें उस समय मैं पराठा बना रही थी बच्चे के टिफिन ले जाने के लिए, तो उसमें तो पराठे तो मैं बना रही थी, लेकिन साथ में मेरे दिमाग में भी शिविर करके आए हैं वहाँ संस्थान से जी। तो वो सब भी दिमाग में चल रहा था, तो साथ में भानु भैया ने एक प्रश्न किया था कि किसको कितना टाइम लगेगा। वैसे तो नॉर्मली समझने में 10 साल लगते हैं, तो मैंने बोल दिया था कि 1-2 साल लगेगा मुझे, और वो दिमाग में भी चल रहा था। साथ में बच्चा आया, उसने बोला मम्मी यार टिफिन पैक करो,
तो हमने देखा कि मेरे में तुरंत विरोध वाला भाव आ गया कि मतलब अभी तो हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे थे और पराठे भी बना रहे हैं अचानक मिले, तो उसको बोला। फिर इधर छोटा वाला बेटा नहा रहा था, उसने तौलिया मांगी, तो फिर तो इस तरह से हमने देखा कि मेरा विरोध वाला भाव चल रहा। तो इसमें मैं ये पूछना चाह रहा था, इसमें मेरी इच्छा क्या था, विचार और आस्था क्या था, कुछ समझाइए भैया। देखिए, इच्छा तो ये है कि आप सुखी होना चाहती हैं, है ना, ये आपकी इच्छा है। उस मूल इच्छा के साथ आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं बनी हुई है कि बच्चे को हम ठीक से तैयार करके स्कूल भेज पाए, है ना, ऐसा भी कर पाए, वैसा भी कर पाए, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर और बनी हुई है, साथ में जुड़ी हुई है। उसी को लेकर विचार भी चल रहा है, उसी को लेकर कुछ आशा भी बनी हुई है। अब कहीं आशा पूरी नहीं हुई, आशा पूरी नहीं हुई तो चूंकि भाव स्थिर नहीं हुआ तो विरोध का भाव आ गया। तो ठीक है, उसको देखें, अपने आप में ऑब्जर्व करें। अभी आपने शुरू किया है अभ्यास, है ना, इसको दिन भर ऑब्जर्व करें जी, और अपने भाव के प्रति जितना हम सजग रह पाएंगे। ऐसे तो दिन भर चलता रहता है इसमें, लेकिन ये समझ ही नहीं पाते कि इसमें हमारी इच्छा क्या है, आशा क्या है, विचार क्या है। लगता है कि केवल विचार ही विचार चल रहे हैं। कभी कभी इच्छा दिखती है बस कि हाँ ऐसा होता है, होना है जी। तो ठीक बात है, अभी विचार को देखना शुरू करें, फिर विचार के पीछे हम भाव को देख सकते हैं। हम पूछें कि जो मैं विचार कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे आप अभी बच्चे को सुबह के लिए तैयार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो वहाँ कोई भाव होगा, है ना, कि बच्चा पढ़ लिख जाए, बच्चा स्कूल चला जाए, बच्चा, है ना, अच्छा बच्चा बन जाए, बच्चे की लाइफ बन जाए, तो कुछ तो भाव होगा हमारे अंदर, है ना, उसको ऑब्जर्व करना है अपने आप में। ठीक है भैया, बढ़िया दीदी, नमस्ते भैया। हाँ भैया, नमस्कार भैया जी, नमस्ते। नमस्ते सबको। मैं वो कह रहा था भैया, ये भाव को थोड़ा सा और स्पष्ट करते क्या, जैसे भाव कह रहे हैं सुखी होने के लिए, तो मैं स्वयं में उसको कैसे उसको देख पाऊं। भाव को देखने के लिए आप क्यों प्रश्न अपने आप से करिए, ये जो विचार कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ जी, है ना, जो भी आप विचार कर रहे हैं, विचार को कुछ ध्यान देने से अपने को पकड़ में आने लगता है। हाँ। तो विचार को देखें, विचार के पीछे हम भाव को देख सकते हैं फिर। तो भाव को देखने के लिए मेरे को क्यों करूंगा, तो मैं वो अपने आप में जो सुखी होने के लिए जो है वो उस पर अपने को निकल के आएगा, है ना जी। जी बढ़िया भैया जी, भैया नमस्कार। भैया मैं 10 मिनट के दौरान मैंने देखा कि मैंने अपने भाई को अभी कुछ पैसों के उधार दिए हैं और वो किसी कारण से परेशान थे और वो अपने बेटे के कारण से उन्होंने परेशान थे तो वो पैसे मांगने आए, तो मैंने उनकी हेल्प की। और मैं मतलब भाई बहन में तो देख ही नहीं सकती बहन भाई को परेशान, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा पैसे दे दिए हैं और उनको जरूरत थी, तो उस समय तो मतलब मैंने दे दिए, लेकिन बेटे के प्रति मेरे भाव बहुत विरोध पूर्वक है, जिम्मेदारी के भाव भी है। मैंने उसको जाकर के समझाया भी था, डांटा भी था, परंतु फिर भी अभी मेरे भाव चल रहे थे उसी संबंध में कि यदि ये ऐसा ही करता रहेगा तो मेरा भाई कितना परेशान होगा, इसे कैसे क्या करूं इसके साथ, तो वही भाव चल रहे थे भैया। और उससे थोड़े से फिर मैंने जो फूल तोड़ रही थी मैं जिस पेड़ से, वहां चारों तरफ उसके कांटे लगाए रखे थे कि ताकि ये पेड़ बचा रहे, तो मैं उन कांटों के प्रति थोड़ा सा मुझे मतलब एक ये देखा मैंने कि देखो ये भी कांटे हैं पर ये भी रक्षा कर रहे हैं पेड़ की, तो हर प्रकृति में हर चीज एक दूसरे का सहयोग ही कर रही है। तो हमने जो यहाँ से शिफ्ट किए वो भाव उस तरफ कि मैंने यदि पैसे दे दिए, मैं भाई की वो तो कर भाई को चाहती हूँ इतना कि वो परेशान में पैसे दे दिए तो मैं इतनी परेशान क्यों हो रही मन में, और प्रकृति में ये कांटे भी अपना काम कर रहे हैं, फूल को बचाए रखे हैं और फूल मैं तोड़ रही हूँ, वो तो पेड़ भी मुझे सुबह से दे रहा है, तो इस तरह से मैं फिर अपने भाव में मैं सहज हो पाई, चलो ठीक है जो है तो किया मैंने अपना।
तो यही शेयर करना था भैया, इस तरह से मेरे भाव चलते रहे। इसको और ऑब्जर्व करें, है ना। देखिए इसमें अब इसको अब आप कंसिस्टेंसी के साथ ऑब्जर्व करना शुरू करें। जी इसी का अभ्यास बना ले। जी बढ़िया दीदी। हेलो जी, नमस्ते भैया। जी नमस्ते। नमस्ते सभी को। भैया अभी जब ये 10 मिनट हम ऑब्जर्व कर रहे थे अपने आप को, तो मैं एक्चुअली मतलब खाना बना रही थी और मेरी बड़ी बेटी स्कूल जा रही थी, मतलब, और उसने ये चश्मा कहीं रख दिया तो वो मिल नहीं रहा था उसको, तो मैं वो चली गई। उसके बाद फिर मेरे अंदर ये मतलब उसके लिए ये फीलिंग्स आ रही थी कि मतलब कब ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगी, एक केयरिंग की, एक अफेक्शन की, ये फीलिंग मेरे अंदर आ रही थी। प्रश्न हो तो बताएं दीदी, इसको ऑब्जर्व करना है अपने आप, कंसिस्टेंटली दिन भर ऑब्जर्व करना है ना। अच्छा, हाँ भैया। तो थोड़ी देर के लिए मैं अपोजिशन में भी चली गई थी उससे कि मतलब मेरे, मैं इतना कहती हूँ कि तुम अपनी चीजें सही जगह पे रखो, रखती नहीं हो, तो मतलब वो उस टाइम मतलब 2-3 ऐसे फीलिंग्स मेरे अंदर आई कि मतलब अगर ये सही से रखेगी तो फिर सारी चीजें अपनी प्लेस पे मिल जाएंगी। तो अपोजिशन भी आया मेरे अंदर, वो भी फीलिंग आई मेरे अंदर कि, और दूसरा एक कि मतलब केयरिंग भी था कि हाँ चलो बस छूट जाएगी, उसके उसे मिलेगी नहीं, तो फिर मेरे लिए भी एक वो थी, तो केयर भी था और मतलब एक अपोजिशन की फीलिंग भी थी उस टाइम थोड़ी देर के लिए। जी बढ़िया बढ़िया दीदी, इसको ऑब्जर्व करते रहे, है ना। इसको हम एक अभ्यास में ले आए कि भाग में जिसका जग होना है और देखना है कि सही रहता है कि नहीं। हाँ भैया, अब तो मतलब काफी ज्यादा, मतलब मैंने जैसे कल शाम को भी एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था कि मैंने उसको कुछ पढ़ने के लिए कहा, थोड़ा सा ऐसा कर रहे हैं, इसको हम अपने आप में करते रहे, है ना। कुछ प्रश्न हो तो रख लें, दो और हैंड्स रेज्ड है। जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रश्न भैया वही थॉट्स और उसके बारे में ही था भैया, इमेजिनेशन के बारे में। थोड़ा सा मैं उसमें ना थोड़े से डाउट होता है इमेजिनेशन और थॉट्स के लिए। इमेजिनेशन इन सब को जोड़ के कह रहे हैं, जिसमें थॉट्स भी हैं, फीलिंग्स भी हैं, एक्सपेक्टेशन भी है, इसको जोड़ के पूरे को इमेजिनेशन कह रहे हैं। मतलब जो कुछ भी आपके अंदर चल रहा है अभी उसको इमेजिनेशन कह रहे हैं, उसका एक भाग है भाव जो पूरे इस इमेजिनेशन को ड्राइव कर रहा है, इस पूरे इमेजिनेशन को चला रहा है, वो भाव है आपका, उसी में फिर आपके विचार चल रहे हैं, उसी से फिर कुछ कभी सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, आस्वादन हो रहा है, आराम में है, परेशान है, आस्वादन हो रहा है। तो भैया ये जो एक्सपेक्टेशन की वजह से ही तो मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स जो होती है कि हम किसी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। वही तो एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन बिना समझे भी जो हम करते हैं वो प्रॉब्लम है। अच्छा बढ़िया बढ़िया दीदी। हाँ भैया नमस्ते, सबको नमस्ते। ये दीदी का जो सवाल है ना उसी से मिलता जुलता मेरा भी सवाल था, तो उसमें एक सवाल ये भी है कि जैसे बिटिया लेट हो रही थी तो रोज लेट होती थी, तो भाव तो ये आया कि भाई विरोध का भाव रखना नहीं है, लेकिन अगर सही भाव रखते हुए तो ये डिसाइड किया कि आज स्कूल की बस छूट जाएगी, छूटने दीजिए। तो मेरा ये पूछना है कि भाव सही रखते हुए क्या किसी की भाव को सुधारने के लिए या किसी को डिसिप्लिन में लाने के लिए हम कोई पनिशमेंट दे सकते हैं क्या, जो विरोध का हो, ऐसा कुछ है क्या करना चाहिए क्या? हम अगले व्यक्ति के ध्यान आकर्षण के लिए हर संभव प्रयास कर सकते हैं सही भाव के साथ। अच्छा, तो है ना, हमारे अंदर संबंध का भाव बना रहेगा। जैसे अगर कोई बच्चा है आग में हाथ डाल रहा है तो हम रोकेंगे, संबंध के भाव से रोकेंगे। झपड़ भी मार देंगे अगर नहीं मान रहा, ऐसा भी कुछ विरोध का भाव, ऐसा कुछ मतलब संबंध के भाव का? नहीं रुके रुके, विरोध के भाव को संबंध ना कहें, है ना। जैसे झापड़ मारने के अंदर के लिए जो आपने विचार किया, ठीक है, अब इसको अपने आप में ऑब्जर्व करना होगा कि इस भाव के साथ ऐसा सोच रहे हैं, उसकी आवश्यकता भी है कि नहीं। ऐसा नहीं कि हम फिर कुछ भी करते रहेंगे, अपने भाव को संबंध का कहते रहेंगे, देखो हमने उसके भले के लिए तो किया, ऐसा नहीं। उस क्षण में तो हमारे अंदर संबंध का भाव था या विरोध का भाव था, ये देखना है। नहीं, जैसे मेरी बिटिया ना 3-4 दिन से रोज बस के लेट हो रही थी, तो आज ही हमने डिसाइड किया कि आज हम बस वाले को नहीं रोकेंगे, तो नहीं जाते। अभी तो आप अपने आप पे देखें, है ना। हाँ। कि अगर झपड़ मारने का भी विचार चला, उसके अंदर संबंध का भाव था कि क्या था?
भाव तो भैया संबंध का ही था कि भाई एक दिन लेट हो जाएगी, अगले से खुद ध्यान रखेगी कि मुझे टाइम पे जाना है, टाइम पे करना है, तो भाव तो यही था कि भाई ओपन रख ले, अभी ओपन रख ले, ये सब हमने विचार किया है ना। अच्छा। हमको लगता है जरूर मेरा इंटेंशन तो साउंड है, हम बच्चे के भले के लिए कह रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक, तो इंटेंशन तो ठीक है, भाव क्या है? भाव भेज यही है कि केयर करे, स्कूल जाए, कुछ सीखे, मतलब इसके लाइफ के लिए अच्छा हो, तो भाव तो भले का ही है। हाँ तो ठीक है, उसको फिर नोट कर लें कि भले का ही भाव है। उसके लिए बच्चे के साथ किस तरह से हमको व्यवहार करना वो भी हम तय करेंगे कि बच्चा अगर हमारे अंदर संबंध का भाव होगा, हम इस बात को देखेंगे कि बच्चा समय पर तैयार क्यों नहीं हो पा रहा, क्या समस्या है उसकी, उसकी समस्या को समझेंगे। हाँ हाँ है ना, अन्यथा हम डिक्टेट करेंगे, डोमिनेट करेंगे, हम कहते तो रहेंगे कि संबंध का भाव है, डोमिनेट करते रहेंगे, ये तो नहीं बनेगा। तो देखिए हमारा इंटेंशन ठीक है कि बच्चा समय से जाए, बच्चा अच्छे से पढ़े लिखे, बच्चे का लाइफ बन जाए, बच्चा सुखी रहे, ये सब इंटेंशन है। अच्छा, तो जाना है। तो भी हो सकता है कि भाई मैंने इसको कहा कि 7:20 पे नीचे उतर आना है ना, और 7:25 हो गया नहीं आया, अब हमारे अंदर इरिटेशन शुरू हो गया, अपोजिशन शुरू हो गया, इस फीलिंग को यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। नहीं, ये तो ऑब्जर्व हो रहा था मुझसे, लेकिन जो 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 मेरी प्रैक्टिस है ना पुरानी, जो मेरे संस्कार हैं, वहां पे वो विरोध का बात है कि नहीं पनिशमेंट देना है तब सुधरेगा, ऐसा कुछ भाव आया मेरे में, मतलब ऐसा कुछ आया। तो नोट करें है ना, देखिए अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है, ऐसा हम ना माने कि हमने अगर कुछ दिन अभ्यास कर लिया तो हमारा सब भाव ठीक हो गया, अभी नहीं, इसमें बरसों लग सकते हैं जब तक चिंतन में सही भाव स्पष्ट ना हो जाए, ठीक है ना। और चिंतन में भी कमरे बैठे बैठे नहीं होगा, वो तो पूरे जीने के क्रम से होगा, जब पूरा जीना भी उसी अर्थ में धीरे धीरे बनने लगता है तब हमारी उसकी तैयारी होती है। तो समय तो लगेगा इसमें, है ना, हम बहुत हड़बड़ी ना करें, बहुत ज्यादा आशा रख लें कि महीने दो महीने में कुछ काम पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं, इसको समय लगाना होगा। मेरे को तो लगता है जन्म कम पड़ेगा। बढ़िया भैया, समय हो चला है, तो आज के लिए असाइनमेंट के रूप में इतना ही रहेगा, इसको अपने आप में ऑब्जर्व करना है, देखना है कि सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।